अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को ख़ुद अपनी हालत के बदलने का शऊर ना हो। तो आज हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कर्नाटका की सरजमीन को लोग इस नज़र से देखते हैं कि कर्नाटका एक वायलेंस का स्टेट बन गया है। बहैसियत एक कौम और मिल्लत भी हमारी क्या जिम्मेदारी है? और हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम का रोना रो रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी की बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है कि मुझे ये बोलते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी आवाम जो है वो बड़ा दिल रखती है, बड़ा ज़र्फ रखती है, और इसके साथ साथ गुलबर्गा में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है। इसमें आके आप इस बात का सबूत दीजिए कि हाँ आप जिंदा हैं। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को ख़ुद अपनी हालत के बदलने का शऊर ना हो या जो कौम ख़ुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। क़ुरान की इस आयत के तर्जुमे के साथ मैं सादिया सैयदा आज अपनी गुलबर्गा की आवाम से एक बहुत ही दर्दमंद अपील लेकर यहाँ पे बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुलबर्गा की आवाम जो है इस बार हमको समझे और हमारे दर्द को महसूस करें। गुलबर्गा में इस बार एक बहुत ही तारीखी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिस कॉन्फ्रेंस को हमने नाम दिया है पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस। ये आपके नेशनल कॉलेज के मैदान में मुनक़िद होगी 29th इंशाल्लाह जुलाई फ्राइडे का दिन और शाम 7 बजे। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है और इमीडिएट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो मंज़र इस वक्त सियासत का हम देख रहे हैं मुल्क में और फिर उसके बाद ख़ास तौर से कर्नाटका में। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक कर्नाटका एक मॉडल स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में, और आज कर्नाटका फिर एक मॉडल माना जाता है हिंदुस्तान के 28 स्टेट्स में। किस चीज़ के लिए? कि इस सरजमीन से जो मसले उठे, इस सरजमीन से जो वायलेंस उठ रहा है, इस सरजमीन पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए। तो आज हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कर्नाटका की सरजमीन को लोग इस नज़र से देखते हैं कि कर्नाटका एक वायलेंस का स्टेट बन गया है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस तरह हमारी जो जमहूरियत है वो मारी जा रही है, किस तरीके से हम आवाम के हुकूक को कत्ल कर रहे हैं, किस तरीके से दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। आज मुल्क का जो मंज़र बीजेपी प्रेजेंट कर रही है, हम सभी जानते हैं, इससे नावाकफियत किसी को नहीं है कि किस तरीके से बीजेपी की बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है। किस तरीके से आप देखिए कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आप देखिए कि पत्थर मारने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ, गरीबों के पेट पे, और बल्कि मैं तो कहूँ कि अब एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि GST लगाकर किस तरीके से दूध और दही तक को महंगा कर दिया गया है, जो बिल्कुल एक आम जिसे कहते हैं कॉमन मैन के मुंह में जाने वाला निवाला होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम पर्दा उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हम बेदारी का काम करें, हम आपको शऊर दें। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ प्रॉब्लम का रोना रो रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए अपने गुलबर्गा में जो एक बहुत बड़ी पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर रहे हैं। मेरी जो आज दर्दमंदाना अपील आप लोगों से है गुलबर्गा वासियों, वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में आइए। इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद हमारे लीडर्स को सुनिए, हमारी बात को समझिए। हम इसमें आपके मफाद की बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से आपको झिंझोड़ रहे हैं, हम आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर रह के काम करने वाली एक पार्टी है, और उसी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए इस मुल्क में हम रहते हैं, इस कर्नाटका की सरजमीन पर हम रहते हैं। अपनी मोहब्बत हुब्बुल वतनी का हम प्रूफ देने के लिए आज आपसे यहाँ बात करने के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप आइए। सिर्फ हुब्बुल वतनी नहीं, बहैसियत एक कौम और मिल्लत भी हमारी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, एक बात सुनिए, आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं तो आपके बच्चों ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। आप अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे? क्या आप इस खौफ में, इस डर में अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे कि बच्चे लिंच किए जाएं और औरतें खुदा न खास्ता रेप कर दी जाएं, लड़कियों के सरों से हिजाब छीन लिया जाए,
हमारे घर में घुस के हमारी प्लेट में से निवाले निकाल दिए जाएं, कल को एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारे बच्चे जो हैं दर दर भटके, उनके लिए महंगाई इतनी हो जाए कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे और जिसे कहते हैं कि बेरोज़गारी के नाम पे सिवाय क्राइम करने के, करप्शन करने के कुछ ना रह जाए। तो बहरहाल मौशरे के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, इस मुल्क के लिए हमारी जो जिम्मेदारी हम समझते हैं, उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 29 तारीख को बरोज़ जुमा हफ्त गुंबज के पास नेशनल मैदान में मुनक्किद कर रहे हैं 7:00 PM। अपील ये है कि इसमें आइए, इसमें शामिल होइए और इसको कामयाब बनाइए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस किसी एक या दो की नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस पीपल्स पावर यानी कि आम जनता, कॉमन पीपल को तकवीत देने की एक कॉन्फ्रेंस है। इसमें आके आप इस बात का सबूत दीजिए कि हाँ आप जिंदा हैं, इसमें आकर आप इस बात का सबूत दीजिए कि हाँ आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। तो बहरहाल इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और इसी मकसद को जहन में लेकर और इस दर्द के साथ हम यहाँ पर आपसे ये अपील लेकर बैठे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि गुलबर्गा कर्नाटका का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुझे ये बोलते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी अवाम जो है वो बड़ा दिल रखती है, बड़ा ज़र्फ़ रखती है, और इसके साथ साथ गुलबर्गा में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है। हम उसी इंटेलेक्चुअलिटी को चाहते हैं कि वो प्रूफ दें इस बात का कि हाँ वो एक हैं, यूनाइट हैं, कौम व मिल्लत का दर्द समझते भी हैं, अपने फ़राइज़ को का एहसास करते हैं। और एक बात याद रखिए, आपकी इबादतों का एक हिस्सा है इस बात को साबित करना कि हुजूर पाक सल्लम ने कहा कि हम कौम, हम मिल्लत जो एक जिस्म की तरह हैं, अगर किसी को तकलीफ़ होती है एक हिस्से को तो हमें भी उसके लिए मतलब एहसास होना चाहिए, पूरा जिस्म मुतासर होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप आएँ। इसके अलावा एक ख़ास अपील जो मैं आखिर में करना चाहूँगी हमारी औरतों से, गुलबर्गा में हमारी औरतों का एक अच्छा खासा तबका जो है वो पढ़ा लिखा तबका है माशाल्लाह, और सबसे अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो हैं अल्लाह रसूल के बहुत पाबंद और इस्लाम पे चलने वाले, इस्लाम को मानने वाले लोग, तो उसी दीन का वास्ता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी औरतें तकलीफ़ हो कुर्बानी दें, क्योंकि कुर्बानी के बग़ैर कामयाबी नहीं है। तो औरतों से ख़ास तौर से एक अपील है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हों और इसको कामयाब बनाएं। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी आपकी कामयाबी है और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो औरतों से एक मैं ख़ास तौर से और अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा अपनी शमूलियत इसमें जो है दर्ज कराएँ। शुक्रिया बहुत बहुत।